हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मसाला नान। तो ये एकदम इजी रेसिपी है और हम एक नई ट्रिक से ये मसाला नान बनाई है, तो ये बिल्कुल भी नहीं जलेगी। और हमने ये नॉनस्टिक तवे पे बनाई है अलग तरीके से। तो चलो शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी मैदा लिया है और इसमें देखिए इस तरह से एक होल्स कर देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे दही, जो मैंने 4 चम्मच दही डाला है, एकदम मीठा है। और 1 चम्मच हमने यहाँ पर डाली है चीनी और आधी छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। और इसमें मैंने 2-3 चम्मच छोटी चम्मच के अलावा इसमें ऑयल डाला है। और देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 चम्मच ये जो मीठा सोडा होता है वो इसमें डाला है। और इन सबको हम मिक्स करेंगे इस तरह से। और इसे मिक्स करने के बाद फिर हमें पानी की जरूरत होगी, तो हम पानी से आटा लगाएंगे। बस दही हमें इतना ही डालना है और इस तरह से हमें ये जो पानी डाल के आटा गूंथना है। और आटा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए आटा। और इस तरह से हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसके चारों तरफ आटे के हमने लगा दिया है। और इसे 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। अब हमने 2 उबले हुए आलू लिए हैं और इसे ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट करना है, क्योंकि ये आलू के अंदर गोंठले ना रहे इस तरह से। और इसमें एकदम बारीक कटा हुआ 2 प्याज डाला है और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाली है। और इसके अंदर हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे हाथों से क्रश करके। और आधी छोटी चम्मच इसमें गरम मसाला डाला है और इसे इस तरह से मिक्स करेंगे, एक मसाला बनाएंगे आलू का। और ये देखिए, ये भी आटा भी एकदम तैयार है। देखिए कितना अच्छा सा फूल के तैयार हुआ है। इससे हमारी ये जो मसाला नान है वो एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो इस तरह से हमने एक लोई बनाई है नींबू से बड़ी आकार की, देखिए इस तरह से। तो हाथों में थोड़ा सा हम ऑयल लगा के इस तरह से बनाएंगे तो हाथ से नहीं चिपकेगा। तो ये थोड़ा आटा सॉफ्ट है तो हमें सॉफ्ट ही रखना है, तभी हमारी नान सॉफ्ट बनेगी। और इस तरह से हम एक बीच में गड्ढा सा कर लेंगे और इसके अंदर 1 चम्मच हमने जो आलू का मसाला बनाया था वो डाल के चारों तरफ किनारों को इस तरह से मोड़ के बीच में इस तरह से दबा देंगे, क्योंकि ये मसाला नहीं निकलेगा। मसाला थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा मत डालना। और इसमें थोड़ा सा हमने सूखा मैदा लगा के और इस तरह से दबा देंगे तो जो अंदर का जो मसाला है वो अच्छे से सेट हो जाए। और फिर हम हल्के हल्के हाथों से बेलन से बेलेंगे इस तरह से, देखिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से बेलना है कि साइड में मसाला ना निकले, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कलौंजी ली है, वो इस ऊपर इस तरह से डाल दी है, थोड़ा सा कच्चा धनिया डाल दिया है इस तरह से, देखिए। और हथेली से हम दबा देंगे कि आटे में अच्छे से सेट हो जाए, देखिए इस तरह से। तो हमने ये जो मसाला नान है वो एक खास ट्रिक से बनाई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3-4 चम्मच के लगभग यहाँ पानी डाला है और फिर ये जो इस तरह से ये जो नान है वो हम रख देंगे कम से कम 2-3 मिनट के लिए। पानी देखिए एकदम जल चुका है अच्छे से। और इस तरह से हम करछी से इसके किनारे को हटा के उसको पलट देंगे। और यहाँ पर हमने ऑयल लगाया है देखिए इस तरह से, और फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। और दोनों तरफ हम ऑयल लगा के और इस तरह से हम ये नान बनाएंगे। और ये नॉनस्टिक भी बनाएंगे, ये बिल्कुल जलेगी भी नहीं और एकदम सॉफ्ट हमारी ये मसाला नान बनके तैयार होगी। तो इस तरह से एकदम इजी रेसिपी है, तो हर कोई इसे बना सकता है। तो आप इस तरह से घर पे ज़रूर ट्राई करके देखना। तो इस तरह से आप घर पे बनाएंगे तो आप अपने सारे तरीके भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मैंने आपको एकदम अच्छे से समझाया है कि मसाला नान कैसे बनाते हैं। और ये बिल्कुल भी नहीं जलेगी और इतनी शानदार ये मसाला नान बनके तैयार होगी। और आपके बच्चे या आपके घर वाले इस मसाला नान के दीवाने हो जाएंगे और आपसे हफ्ते में 2-3 बार नाश्ते में यही बनवाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर नए नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ हमारी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा साथ दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।